हेलो गाइस, मैं हूँ शुभम और आज हम बात करेंगे कि रॉ क्या है और रॉ कितना बड़ा है। रॉ हम बाकी कंट्रीज़ के इंटेलिजेंस एजेंसी से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं, और हम बेसिकली रॉ में एंटर कैसे हो सकते हैं, हम जॉब कैसे ले सकते हैं रॉ के अंदर। देखिए, सबको अच्छा ही लगता है, मतलब सबका ड्रीम ही होता है कि हम अपने देश की सेवा कर सकें, हम रॉ में जा सकें। और इस तरीके की, मतलब आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग आती होगी कि जॉब हो तो कुछ ऐसा हो, सीक्रेट मिशन टाइप का हो, और मतलब मज़ा आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि रॉ है क्या। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी तक नोन एक ही ऑफिस है इसका जो मतलब पता है सबको, बाकी सब तो कोवर्ट होते हैं, आपको पता ही है, छुपे छुपे, ठीक है, सीक्रेट होते हैं। और ये 1968 में इस्टेब्लिश किया गया था, सितंबर 1968 में, और ये आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, ठीक है। तो ये इंडिया का CIA कह सकते हैं आप, MI5 कह सकते हैं, FBI कह सकते हैं, मतलब आप बाकी कंट्रीज़ के जो हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, ठीक है, वैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। ये इंटरनल कम्युनिज्म को प्रिवेंट करती है और फॉरेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। तो ये फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करके देती है हमारे इंडिया को। तो आप जानते ही हैं कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो रॉ भी छोटा तो होगा नहीं। तो रॉ भी, मैं बता रहा हूँ आपको, रॉ भी काफ़ी बड़ी एजेंसी है। हम आपको, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं CIA से और MI5 से, ठीक है। तो आप समझ ही सक रहे होंगे कि कितनी बड़ी है। बजट भी काफ़ी होता है, बहुत सारे स्पाइज होते हैं और काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हम रॉ में जा कैसे सकते हैं, जॉब कैसे ले सकते हैं। देखिए, रॉ सीक्रेट एजेंसी है, ठीक, तो ये डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है रिक्रूटमेंट। तो होना क्या है कि आपको सबसे पहले या तो आर्मी में सेलेक्ट हो जाइए, मतलब किसी भी आर्म फोर्सेज में आप सेलेक्ट हो जाइए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में, ठीक। फिर उसके बाद आप वहाँ पर जाके एक्सेल कीजिए, मतलब आप अपना बेस्ट दीजिए वहाँ पर, क्योंकि सबसे बेस्ट जो होगा वही रॉ में जाएगा, ठीक है। छोटे मोटे की तो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो आप जब वहाँ पे बेस्ट देंगे, उसके बाद हो सकता है कि आपको रॉ खुद कांटेक्ट करे, नहीं तो वहाँ पे आपको डिपार्टमेंटल वैकेंसीज के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, जो डेप्यूटेशन बेसिस पे होती है। तो आप उसको भरेंगे, उसके बाद आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, फिर आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, उसके बाद आप रॉ में जॉब कर सकते हैं, ठीक। और तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, तो रॉ में सारी जॉब्स ऐसी भी नहीं होती हैं कि भाई बहुत सारे सीक्रेट मिशंस कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। तो मतलब आप अगर ऐसे सोचते हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। रॉ में भी बहुत सारे ऐसे पोजिशंस होती हैं, ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें आप हो सकते हैं पूरी ज़िंदगी एक गोली भी ना चलाएं, ठीक है, छुप छुप के काम करते रहें। किसी कंपनी में आपको जॉब दिला दिया गया और आप बस वहीं पे हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा गैदर करके दे रहे हैं उधर, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आपको बिल्कुल जेम्स बॉन्ड बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। हो भी सकता है, मतलब सब तरीके की जॉब्स होती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक। और हाँ, आप अगर सिविल सर्विसेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं और आप एक IPS ऑफिसर बनते हैं, तो आप अपने प्रोग्रेस के, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप रॉ में रिक्रूट किए जा सकते हैं, या फिर आप डेप्यूटेशन बेसिस पे रॉ में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चैनल्स थे जिनके थ्रू आप रॉ में जा सकते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट कर दीजिए, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देख सकें। थैंक यू। जय हिंद।